ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 300वीं कक्षा। पिछली कक्षा में छठे अध्याय से संबंधित ही हमारे प्रश्नोत्तर हुए, आज सातवां अध्याय प्रारंभ करेंगे। छठे अध्याय में से किन्हीं को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2026 पर। 2026 हाँ। भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति, इसके मध्य से मंत्रस्य आपाक्षिकत्वात्। तो जी, ये एक बार जी पुनः जी बता देवे जी, ये क्या था? मंत्र के अपाक्षिक होने से, अपाक्षिक मतलब अविकल्प वाला होने से। पाक्षिक जो होता है एक पक्ष में होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, इसे पाक्षिक कहेंगे। ठीक है, तो कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन अपाक्षिक का मतलब है कि बिना विकल्प वाला होने से। मंत्र है तो वो सब पे लग रहा है, तो इसलिए मंत्र से प्रयोग वचने न गृहीतत्वात् मंत्र साधनम् ही कर्म इति गम्यते। यदि छागम उपादास्यामहे सगुणम कर्म सक्ष्याम कर्तुम मंत्रम उपादाना। मंत्र से अपाक्षिकत्व, तो जब जब भी करेंगे छाग ही लेना होगा, क्योंकि मंत्र बोलेंगे तो मंत्र वर्ण से छाग ही गृहित होगा और वो पशु विशेष हो जाएगा। मंत्र यदि पाक्षिक होता, यानी कभी तो वो मंत्र प्रयोग में आता और कभी नहीं आता, तब तो अन्य पशु भी लिए जा सकते थे। कि जब वो मंत्र नहीं बोला जा रहा है तो अब कोई बाधा नहीं है मंत्र वर्ण वाली, तो कोई भी पशु लिया जा सकता था। पर चूंकि ये अपाक्षिक है, नित्य है, तो छाग ही आएगा, अन्य पशु नहीं आएंगे, ये सिद्धांत ही पुष्ट कर रहा है अपनी बात को। दूसरा जी, पृष्ठ संख्या 2023 पर। हाँ, भाष्य की जो प्रथम पंक्ति है, तो वो जी ये सिद्धांति की पंक्ति कैसे है? मतलब पूर्व पक्षी सिद्धांति के मुंह से कह रहा है, ये हमने समझा था, तो ये कैसे हो रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है, सिद्धांति की बात को बोल रहा है, लेकिन सिद्धांति, पूर्व पक्षी सिद्धांति की बात को कह रहा है या पूर्व पक्षी अपनी बात को? सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है। सूत्र की रचना की दृष्टि से तो ये होता है आर्षेवदिति चेत। सूत्र की रचना में तो ऐसा है कि पूर्व पक्षी सिद्धांति की बात को रख रहा है, क्योंकि पीछे पूर्व पक्षी है, और अब कहें कि आर्षवत आर्षेवद इति चेत, ये आर्षेय के समान होवे तो अगर वो सिद्धांति ऐसा आक्षेप करे तो ठीक है, ये यहां पर तात्पर्य निकलता है, उस दृष्टि से ही आगे होना चाहिए। लेकिन अर्थ देखिए, इति चेत पश्यसि, अगर तुम ये देखते हो, अभी पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी को छोड़ देना, पहले भी विषय देखो, न पशुत्वम अन्येभ्य पशुभ्य आक्षेतव्यमिति। ये जो पशुत्व है वो अन्य पशुओं से पृथक नहीं किया जाएगा। अन्य मतलब छाग भिन्न, उनसे पृथक नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ देखिए कि जो पशुत्व है वो अन्य पशुओं से आच्छेद यानी पृथककरण नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? पशुत्व अन्य पशुओं के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि पशुत्व से अन्यों का भी ग्रहण होगा। ये पक्ष किसका है? पूर्व पक्षी का है, ये बात है। तो फिर जी, जो यथा वाला जो उदाहरण दिया है वो
उस पूर्व पक्ष से कैसे बनेगा? नहीं, फिर आगे तो हमारे को करना पड़ेगा, यथा आर्षेयम वृणीते तृण वृणीते इति सामान्य श्रुति त्रिषु एव अवतिष्ठते इति तृत्व विशेषो विवक्षते विवक्षितो न अन्य विवक्षिता इति। देखो वैसे रचना तो ऐसी होनी चाहिए कि सूत्र में जैसा है कि ये पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांती के मुख से, तो ये जो पंक्ति है ना, न पशुत्वम अन्य पे पशुभ्य आच्छेतव्यम इति, जो अभी सामान्य अर्थ हमने देखा ये तो सिद्धांती के कथन में बनता नहीं है क्योंकि वो सारे पशुओं को ले नहीं रहा है। लेकिन या तो इस पंक्ति का अर्थ हम ऐसा बोलें जो कि सिद्धांती के पक्ष में जाता हो, अर्थ को यहां पर हमें बदलना होगा। इति चेत पश्यसी, दूसरे ढंग से कोशिश करते हैं कि पूर्व पक्षी बोल रहा है और पश्यसी का करता है सिद्धांती। अगर तुम ऐसा देखते हो, अगर तुम ऐसा देखते हो, कौन बोल रहा है ऐसा मान के चल रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं ना, पूर्व पक्षी बोल रहा है ये सिद्धांती, तुम अगर ऐसा बोलते हो जैसा सूत्र में कहा, न पशुत्वम अन्येभ्य पशुभ्य अच्छेतव्यम, पशुत्व जो है वो अन्य पशुओं से युक्त नहीं किया जाएगा, अन्य पशुओं से युक्त नहीं किया जाएगा। अब यहां चूंकि आच्छेदन पृथककरण अर्थ किया है तो वो तो अलग जाएगा। हाँ आचार्य जी, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं कि पशुत्वम जो ले रहे हैं तो छाग का पशुत्व अन्य पशुओं से अलग नहीं है, अर्थात अन्य पशु जब कहते हैं तो छाग तो आ जाता है, यदि तुम ऐसा कहो तो, इस तरह से? नहीं, आप ये अर्थ कह रहे हो कि छाग का पशुत्व अन्य अन्य पशुओं के पशुत्व से भिन्न नहीं है। जी, ये अर्थ कैसे निकालेंगे? पशुत्वम जो लिया है उसमें अध्यार छाग का पशुत्व अन्येभ्य पशुभ्य नाच्छेतव्य, पृथक है ऐसा यदि आप कहो तो। नहीं, एक मिनट, पशुत्व अन्य पशुओं से अच्छेतव्य नहीं है, अच्छेतव्य का क्या अर्थ कर रहे हो फिर आप? पृथक ही, पृथक। जी, तो पशुत्व अन्य पशुओं से अलग नहीं है, इनका जो पशुत्व है छाग, तो पशुत्व का जो पहले पशुत्व है इसका मतलब है छाग का पशुत्व, आप ये अर्थ ले रहे हो। जी, कि छाग का पशुत्व अन्य पशुओं से पृथक करने योग्य, अन्य पशुओं से या अन्य पशुओं के पशुत्व से पृथक करने योग्य नहीं है। जी, अर्थात वही है। जी, वही है, पशुत्व सामान्य है। जी, तो ऐसा कह करके अब आगे संगति लगानी पड़ेगी, यथा आर्षेयम वृणीते तृण वृणीते इति, सामान्य श्रुति ही, ये आर्ष की श्रुति है, तीन में ही रहती है, इति तृत्व विवेशो विवक्षितो न अन्य विवक्षिता इति। इसको यूं कहेंगे, अच्छेतव्य मतलब विशेषतव्य ऐसा करना चाहिए, क्योंकि विशेष जो है ना वो पृथक करने वाला होता है, विशेषितव्य। अच्छेतव्य मतलब विशेषितव्य, विशेषितव्यम, अच्छेतव्यम विशेषितव्यम, ऐसा अर्थ करके देखिए आप संगति लगेगी। इति चेत पश्यसि, अगर तुम ऐसा देखते हो, आर्षेवत, आर्षेवत ये सिद्धांती के मुख से कहा जाएगा, आर्षे के समान, क्या? न पशुत्वम अन्येभ्य पशुभ्य अच्छेतव्यम, ये जो पशुत्व है, यहां जो पशुत्व है वो छाग भिन्न अन्य पशुओं से विशिष्ट नहीं किया जा सकता, ये अब सिद्धांती का बन जाएगा। ठीक है, अच्छेतव्यम मतलब विशिष्टव्यम, क्योंकि विशेष जो होता है वो पृथक करने वाला होता है, सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, तो अन्य पशुओं के द्वारा ये पशु शब्द विशेषित यानी पृथक करने योग्य नहीं है, उसके नहीं, केवल छाग के द्वारा ही ये विशेषित करने योग्य, छाग के द्वारा ही ये अन्य करने योग्य। अब ठीक है, ऐसा जब हम अर्थ करेंगे तो इति चेत पश्यसी, अगर तुम ऐसा देखते हो, अब ये पश्यसी का कर्ता कौन है? सिद्धांती, सूत्र की तरह हो गया, अर्थवदिति चेत, कह तो पूर्व पक्षी ही रहा है लेकिन अगर सिद्धांती ऐसा कहे तो पश्यसी का मतलब यहां पर अब ये सिद्धांती ले लेंगे, ले
अगर तुम ऐसा कहते हो तो चेत यत्रापि आगच्छति पक्ष परिवर्तनम भवत यत्र पूर्व पक्षीण सूत्रम अस्ति द्वाविंशति तमम सूत्रम तो अत्र सिद्धांति एव वदिष्यति आश्रयवत इति चेत यदि वयम वदिष्याम कि आश्रयवत इति तर्हि तस्य उत्तरम पुनः त्रयोत्रिंशत् सूत्रे वर्तते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूर्व पक्षी बदती एवं देखो इसको दो तरह से समझते हैं। एक तो जो आप बोल रहे हो वो तो है ही कि 32वां सूत्र पूर्व पक्षी का है और 33वां सूत्र सिद्धांती का और 34वां सूत्र पूर्व पक्षी का, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन भाषा को देखेंगे तो आर्षेवद इति चेत, इस भाषा को देखो, आर्षे के समान यदि ऐसा हो तो, यदि ऐसा कहे तो, ये बात कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी बोलेगा। मेरी बात सुनिए, अभी आपने जो कहा वो हो गया, एक पक्ष मैंने बता दिया, अब दूसरा पक्ष क्या है उसको पहले सुन लीजिए। वो भी एक शैली है, हमेशा ऐसा ही करते आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। ये वाक्य पूर्व पक्षी के यदि सिद्धांती ऐसा कहे तो, यदि आप ऐसा कहो तो, ये भाषा कौन बोलेगा? ये भाषा कौन बोलेगा स्वामी जी? पूर्व पक्षी तदा वदिष्यति यदा सूत्रम एकम भविष्यति, यदि आर्षेवदिति चेत न तत्र। आप इसको उत्तर पहले ये दीजिए, मैं जो प्रश्न कर रहा हूं ना, ये पूर्व कौन बोलेगा? तो आपको पूर्व पक्षी नहीं समझ में आ रहा तो बोले नहीं, ये वाक्य सिद्धांती बोलेगा। आप ये बोलिए पहले, अपनी प्रतिज्ञा को रखिए, सिद्धांती वदिष्यति आर्षेवत इति वयम वदिष्यामः चेत, यदि वयम एवं वदिष्यामः आर्षेवत इति सिद्धांती वदिष्यति चेत अस्ति ना, चेत यदि अगर ऐसा हो तो, तस्य पक्षस्य निराकरणार्थं वदिष्यति सिद्धांती। देखो वो आप अपने पहले पक्ष की ही व्याख्या कर रहे हो। वेदांत दर्शने अपि अत्र मीमांसा दर्शने अपि बहुनी सूत्राणि वर्तन्ते यत्र चेत शब्दस्य प्रयोगो भवति, यदि चेत शब्दस्य एकस्मिन् एव सूत्रे पूर्वपक्षम उत्तरपक्षम भवति तदा एकस्य एव वचनं भवति, परन्तु यदा सूत्रद्वयं भवति तत्र एकस्य पक्षस्य न भवति इति मीमांसकेन अपि लिखितमस्ति, एकत्र लिखितमस्ति अत्रैव केवलं चेत शब्दस्य प्रयोगे अपि पक्षपरिवर्तनं न भवति परन्तु अन्यत्र सर्वत्र पक्षपरिवर्तनं भवति इति मीमांसकेन लिखितम्। ठीक है, वहां वो चीज आई थी, वहां पक्ष परिवर्तन नहीं हुआ था, यहां भी पक्ष परिवर्तन तो हो रहा है, ये तो मान रहे हैं। लेकिन पक्ष परिवर्तन दो तरीके से होता है, पक्ष परिवर्तन नहीं हो रहा है ये प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं मैं जो दोनों प्रकार बता रहा हूं उन दोनों में ही पक्ष परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पक्ष परिवर्तन का प्रकार अलग अलग है, वो समझ लो। एक तो पक्ष परिवर्तन का प्रकार यह है जो आप बोल रहे हो कि पूर्व पक्षी ने कहा, अपर पक्ष परिवर्तन का मतलब है कि दूसरा व्यक्ति ही बोलेगा, फिर पक्ष परिवर्तन है तो फिर पहला व्यक्ति ही बोलेगा, वास्तव में पहला और दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं। एक तो पक्ष परिवर्तन यह होता है, एक पक्ष परिवर्तन यह होता है कि बोल तो एक ही व्यक्ति रहा है, अपनी बात को रखा, अब पक्ष परिवर्तन करते हैं, यदि आप ऐसा कहो तो, बोल तो वही पहला रहा है लेकिन उसने पक्ष परिवर्तन किया, दूसरे की बात को अपने मुंह से बोला है, पक्ष परिवर्तन तो इसमें भी हो रहा है। लेकिन बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है? पूर्व पक्षी बोलते हुए भी पक्ष परिवर्तन कर सकता है, इसलिए पक्ष परिवर्तन में यह नियम नहीं है कि वास्तव में दूसरा ही व्यक्ति बोले। यदि त्रयोत्रिंशत् चतुर्थ वह सूत्रो एक सूत्रता भवेत तरी तो यथा भवन्तः वदन्ति तथैव भविष्यति, आश्रयवती इति चेत् न तत्र हि अचोदितत्वात्। इसमें भी दो मान्यताएं हैं, एक तो है कि आर्षेवदिति चेत् न तत्र हि अचोदितत्वात्, ये सबको मिला के एक ही कहेंगे, ऐसे सूत्र भी मिलते हैं तत्र तो भविष्यति, लेकिन यहां पर उसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है उसी शैली में, कोई अंतर नहीं है उसमें, इसके दो सूत्र बना के रखिए चाहे एक सूत्र बना के रखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये विभाजन जिस भी तरीके से हुआ है। अब इसकी पुष्टि के लिए देखिए भाष्य का वचन,
इति चेत पश्यसि, अगर तुम ऐसा देखते हो, अगर तुम ऐसा देखते हो, ये वचन, ये आगे का कथन किसके पक्ष में जाना चाहिए? इसका बोलने वाला कोई और है और पश्यसि का कर्ता कोई और है, ठीक है? तो इसको यदि सिद्धांती का मानेंगे तो ये जो वाक्य रचना है इति चेत पश्यसि, ये सिद्धांती बोलेगा आपके मत में, और पश्यसि का कर्ता पूर्व पक्षी होगा, ये पूर्व पक्षी की मान्यता आएगी। और यथा करके जो आर्षेयवत है ये भी फिर पूर्व पक्षी का ही माना जाएगा, क्योंकि तो उसी बात को खोल रहा है वो, जबकि आप ये मान के चल रहे हो कि ये सिद्धांती का है, सिद्धांती का है। इसको सिद्धांती का मानने के लिए, ये जो आर्षेयवत दृष्टांत है ये सिद्धांती का है ना, तो ये जो बात कही गई है न पशुत्वम अन्यभ्य पशुभ्य आच्छित्तव्यमिति, ये जो इसी बात को समझाने के लिए यथा आर्षेयवत कहा गया, तो ये वाक्य सिद्धांती का होना चाहिए। और पश्यसी, पश्यसी इसका कर्ता सिद्धांती है और कहने वाला पूर्व पक्षी है। इति चेत पश्यसी, पूर्व पक्षी सिद्धांती को कह रहा है कि यदि तुम ऐसा देखते हो, कैसा? ये तो उसका उत्तर फिर अगले उसमें आएगा, पूरी संगति बैठती है। इति चेत पश्यसी में आगे जो कथन किया गया है वो बात सिद्धांती की है, क्योंकि यथा से जुड़ रही है वो, इसलिए पश्यसी का कर्ता भी सिद्धांती है। और इति चेत पश्यसी बोलने वाला सिद्धांती से भिन्न है कोई, वो पूर्व पक्षी है। तो अब इस दृष्टि से सूत्र को देखिए, ये बोल तो पूर्व पक्षी रहा है लेकिन सिद्धांती की बात को अगर तुम ऐसा देखते हो तो, उस शैली में कह रहा है। हाँ रमन जी, जी ये जो आर्षेयवादी से तो पता चल रहा है कि ये सूत्र सिद्धांती का है, क्योंकि हाँ। इस सूत्र के जो अंतिम पंक्ति कही है भाष्य में, एवं यहाँ पे पशुत्वम छागम प्रकल्पयितुम विवक्षितम न अन्य अविशेषा, तो इससे सिद्धांती का पता चल रहा है। देखो ये वाक्य और सारा सिद्धांती का है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। पहले तो ये समझ लो कि भेद हो कहां पर रहा है, नहीं तो फिर वही कहेंगे ये सिद्धांती का है, वो कहेगा पूर्व पक्षी सिद्धांती का है, ये तो कौन मना कौन कर रहा है। लेकिन दो बातों का समझो, ये जो बात कही गई है वो सिद्धांती की है, लेकिन इस बात को सिद्धांती बोल रहा है या पूर्व पक्षी बोल रहा है यहां प्रश्न है। बात तो सिद्धांती की है, आप कह रहे हो कि जी अंत में लिखा इससे पता लगता है कि सिद्धांती की है, तो इसमें तो कोई मतभेद ही नहीं है, सिद्धांती की ही तो बात है। लेकिन ये वाक्य बोल कौन रहा है, इसको हम सिद्धांती के द्वारा ही बोला गया, ये भी एक पक्ष है। एक है कि बोल तो पूर्व पक्ष ही रहा है लेकिन सिद्धांती की बात को बोल रहा है। अगर आप ऐसा मानते हो तो, अगर आप ऐसा कहना चाहो तो मेरा उत्तर ये है, अभ्युपगम से मान करके उसकी बात को बोलते हुए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सिद्धांती की बात है। लेकिन इसको बोल कौन रहा है, उसको दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। कुछ लोग इसको सिद्धांति का ही कथन मान करके कह देते हैं और वो इतिचेत वाला शैली नहीं बनती है वहां पर, या तो कह दें जैसे स्वामी जी कह रहे कि मैं ऐसा कहूं तो, लेकिन वो भाष्य की रचना से मेल नहीं खाती है। इतिचेत पश्यसी, इतिचेत पश्यसी, इस वाक्य से क्या पता लगता है, ये बोल तो पूर्व पक्षी ही रहा है लेकिन सिद्धांति की बात को बोल रहा है, अगर तुम ऐसा देखते हो तो, ठीक है? हाँ। सिद्धांति तो ऐसा देखता नहीं है ना, आगे जो बात कही, कैसे नहीं देखता है? ये जो बात की न पशुत्वम अन्येभ्य पशुभ्य आच्छेत्तव्यम, यही तो अभी बदल करके बताया था कि देखो इस तरह अर्थ करेंगे तो ये सिद्धांति के मत में बनेगा, ठीक है? इस पंक्ति का अर्थ देख लो, न पशुत्वम अन्येभ्य पशुभ्य आच्छेत्तव्यम, सामान्य अर्थ क्या हुआ, अन्य पशुओं से, जैसा देखो नीचे लिखा हुआ है युधिष्ठिर जी ने, यदि यह समझते हो कि पशुत्व को अन्य पशुओं से आच्छेदन पृथककरण नहीं करना चाहिए, पशुत्व को अन्य पशुओं से पृथककरण नहीं करना चाहिए, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, वाक्य अर्थ बोध बताओ। ये हिंदी तो जो कि तो संस्कृत की लिखी हुई है, यहां भी वैसे ही समझना पड़ेगा, इसका अर्थ क्या है बताओ, क्या क्या समझ में आ रहा है इससे? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि पशुत्व अर्थात छाग को अन्य पशुओं से, फिर से बोलो, पशुत्व अर्थात छाग को, जो भी प्रकरण में छाग चल रहा है, पशुत्व का मतलब छाग को, हाँ जी छाग पशुत्व को,
अच्छा बोलो, पशुत्व मतलब छाग का के पशुत्व को अन्य पशुओं से पृथक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांती पृथक करके कर क्योंकि रहा है। बाद में बोलो, पहले बात को समझाओ। पूर्व पक्षी कह रहा है कि पशुत्व को अर्थात छाग का जो पशुत्व है वो अन्य पशुत्व से आप अलग करके देखते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। छाग के पशुत्व को जी अन्य उष्ट्र आदि के पशुत्व से अलग करके नहीं देखो, नहीं। अलग करके नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा आप मानते हो तो अलग करके नहीं देखना चाहिए जी। तो अलग करके मतलब सिद्धांती ये कह रहा है कि अलग करके नहीं देखना चाहिए जी। अलग करके नहीं देखना चाहिए, सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है हाँ कि आप जो है पशुत्व को अन्य पशुत्व अर्थात छाग का जो पशुत्व है हाँ। वो अन्य पशुओं से अलग नहीं करके देखना चाहिए, ऐसा कहो तो। सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है कि अगर आप ऐसा कहो तो हाँ जी। और फिर उसका उत्तर कौन देगा? सिद्धांती देगा ना हाँ जी। तो अगला सूत्र तो पूर्व पक्षी का है, ये यूं कह रहे हैं ना कि सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां सिद्धांती पूर्व पक्षी को बोल रहा है, आक्षेप दे रहा है अच्छा, जो आक्षेप देगा उसको समझाने के लिए उदाहरण देगा, उस उदाहरण से पूर्व पक्षी की बात पुष्ट होगी या सिद्धांती की बात पुष्ट होगी? यथा करके नहीं, नहीं यथा करके जब कहा जाएगा कोई बात कही गई, जैसे कि यहां वो जो यथा वाला दृष्टांत है वो सिद्धांती के पक्ष का है या पूर्व पक्षी के पक्ष का है? सिद्धांती के पक्ष का है ना, तो जिस बात के लिए यथा करके कहा गया है वो बात सिद्धांती की होनी चाहिए पूर्व पक्षी की होनी चाहिए? सिद्धांती की होनी चाहिए ना, ये इस वचन को पूर्व पक्षी का कह के कह रहे हैं। वचन तो सिद्धांती कह रहा है लेकिन पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है हाँ। ये गलत हो जाएगा। देखो ये अभी ये छोड़ दो कि बोल कौन रहा है, अभी ये देखो कि ये वाक्य किसके पक्ष में समर्थन में जा रहा है, ये सिद्धांती के पक्ष की बात है या पूर्व पक्षी के पक्षी की बात है? मैं विपरीत ढंग से ले रहा हूं कि आर्षेयवत ये दृष्टांत पूर्व पक्षी के पक्ष में जाएगा, पूर्व पक्षी की बात को सिद्ध करेगा या सिद्धांती की बात को सिद्ध करेगा? इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो ये यथा करके वही कहा गया, तो अब जो उदाहरण दिया जा रहा है यथा, तो जो पीछे बात कही गई है वो सिद्धांती की ही तो होगी, ये किसी और की कर सकते हो? तो जिस ढंग से आप बोल रहे हो वो सिद्धांती की बात जा रही है क्या? वो पूर्व पक्षी की बात जा रही है, तो यथा घटेगा ही नहीं वहां पर। इस पंक्ति का वो अर्थ लिया जाना चाहिए जो सिद्धांती का मत हो, चाहे उसको आप सिद्धांती के मुख से बुलवा लो चाहे पूर्व पक्षी के मुख से बुलवा लो, ये सिद्धांती की बात आनी चाहिए। और चूंकि वाक्य रचना है इति चेत पश्यसी, तो ये पश्यसी वो जो आगे का वाक्य है इसको कौन देख रहा है? ये आगे का वाक्य सिद्धांती का है, सिद्धांती की बात है, तो पश्यसी का कर्ता भी वही है सिद्धांती, इसलिए ये जो बोलने वाला है इति चेत पश्यसी ये पूर्व पक्षी है। लेकिन उसमें अर्थ कैसे करेंगे देखना, ये अभी देखते हैं। इसको सिद्धांत के पक्ष में करने के लिए यही तो मैंने अभी करके बताया था, अर्थ क्या किया था, हम आक्षेतव्यम को अलग करने की दृष्टि से जब ले रहे थे, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, अगर नीचे का जैसा अर्थ समझ रहे हैं वो अलग करना, तब तो ये पूर्व पक्षी का बन रहा था। कैसे? न पशुत्वम अन्येभ्य पशुभ्य आक्षेतव्यम, पशुत्व मतलब सामान्य पशुत्व, पशुत्व जो जाति है वह है, अन्य पशुओं से पृथक करने योग्य नहीं है, अर्थात ये जो पशुत्व है ये अन्य पशुओं में भी विद्यमान है, उष्ट्रादि में भी विद्यमान है। पशुत्व को केवल छाग से ही नहीं जोड़ना है, पशुत्व अन्यों से भी जुड़ा हुआ है। कोई ये कहे कि यहां जो पशु शब्द पढ़ा हुआ है, पशु शब्द जो पढ़ा हुआ है वो केवल छाग को ही बता रहा है, ये पक्ष सिद्धांति का है ना, तो ऐसे में पशु यानी पशुत्व केवल छाग से जुड़ गया, अन्य पशुओं से हट गया, अन्य पशुओं को हटा दिया वहां से,
न पशुत्वम अन्येभ्य पशुभ्य अच्छेत्तव्यम। तो सिद्धांति के पक्ष में तो अलग कर दिया गया होना चाहिए, तो पूर्व पक्षी यह कहेगा कि ये जो पशुत्व है ये अन्य पशुओं से उष्ट्रादि से अश्वादि से पृथक करने योग्य नहीं है, यानी अन्यों से भी जुड़ा हुआ है। और अन्यों से जुड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब आएगा कि यहां पशु शब्द से सभी पशुओं का ग्रहण होगा, यह मतलब निकलेगा इससे। ये पूर्व पक्षी की बात है, यह सिद्धांति की बात नहीं है। पूर्व पक्षी यह चाहता है कि यहां जो पशु शब्द है इससे सभी पशुओं का ग्रहण हो जाए, इस वाक्य से वो निकलेगा पहला अर्थ जो नीचे लिखा हुआ है, या जो पहला हम अर्थ समझ रहे थे, ये पूर्व पक्षी के मत में जाएगा। किंतु उसमें दिक्कत यह है कि यथा आगे संगत नहीं लगेगा, तो इसका हमें वो अर्थ करना है जो सिद्धांति के मत में हो। कह पूर्व पक्षी राय कि अगर तुम ऐसा देखते हो तो इति चेत पश्यसि, तो न पशुत्वम, ये जो पशुत्व है ये अन्य पशुओं से अच्छेतव्य नहीं है। अच्छेतव्य का मतलब पृथक करना ही है, लेकिन पृथककरण कैसे, विशेषित करके, क्योंकि तो विशेष होता है वो पृथक कर देता है। दूध गाय का दूध, अब जैसे ही विशेषण ले आया तो वो अब इस दूध शब्द को अन्य दुग्धों से भैंस आदि के दूध से अलग कर देगा। तो पर अच्छेतव्य का मतलब हुआ विशेषितव्य, विशेषितव्य। अब अच्छेतव्य मतलब उस पशु शब्द से उनको पशुओं को हटाना, ये नहीं, ये नहीं, वो अर्थ अलग अलग ना करेंगे तब तो पूर्व पक्षी के मत में चला जाएगा। विशेषित करने योग्य नहीं है। अब ये लीजिए, ये जो पशुत्व है ये अन्य पशुओं के द्वारा विशेषित करने योग्य नहीं है, यानी अभी एक मिनट रुकिए, देखिए एक मिनट पूरी बात हो जाए फिर बोलना, आपको पूरा अवसर रहेगा। ये जो पशुत्व है ये अन्य पशुओं के द्वारा विशेषित करने योग्य नहीं है। यहां जो पशु शब्द पढ़ा गया है इस प्रसंग में, जो पशु शब्द है यो दीक्षितो यदग्नि शोमियम पशुम आलभते, यहां जो ये पशु शब्द पढ़ा गया है ये अन्य पशुओं से विशेषित करने योग्य नहीं है। किन से, अन्यों से, छाग से, भिन्न पशुओं के द्वारा विशेषित करने योग्य नहीं है। फिर किसके द्वारा विशेषित करने योग्य है, केवल छाग के द्वारा परिच्छेदव्य है, अच्छेतव्य है, विशेषित करने योग्य है। अब ये जो बात है ये सिद्धांति की है, और इसकी पुष्टि के लिए वो कहता है आर्षेयम वृणीते तृण वृणीते। अब आर्षेयम वृणीते में आर्षी लेगा, दूसरों को नहीं लेगा, और तीन ही लेगा। अब ये जो तीन संख्या है ये आर्षे से जुड़ करके विशेषित होकर अन्यों को हटा देगी। तो ऐसे ही वहां पर मंत्र वर्ण से प्राप्त छाग शब्द इस पशुत्व को अच्छित करता हुआ, अच्छित उसको विशेषित करता हुआ अन्यों को हटा देगा, अन्य इसको विशेषित नहीं कर पाएंगे। पशु का मतलब छाग पशु। अब इस तरह से जो अर्थ लेंगे, अब ये सिद्धांति के पक्ष में गया, ठीक है, अब वो सारी की सारी संगति आगे लग जाएगी। हाँ अब बोलिए, जो कुछ इसमें पूछना है या स्पष्ट नहीं हुआ है तो समझिए। पूर्व पक्षी केवल छाग से निषेधम करोति, अत्र बहुवचनम कथम भविष्यति अन्येभ्य पशुभ्य न अच्छेदत्वे। पूर्व पक्षी अकेले छाग वाला जो पक्ष है सिद्धांति का, उसका निषेध कर रहा है, और वो सब पशुओं की प्राप्ति करवा रहा है, उसमें छाग भी है। छाग की भी प्राप्ति होगी, अन्य पशुओं की, पशु सामान्य की प्राप्ति, यानी कोई भी हो, ये पूर्व पक्षी का मत है। सिद्धांति का पक्ष है कि केवल छाग होगा, पशु का मतलब केवल छाग है, यानी ये जो पशु शब्द है केवल छाग से विशेषित होगा, अन्य अश्व गौ आदि से विशेषित नहीं होगा। बहुवचनम कथम विशेषित छागे न विशेषितव्य एवं वक्तव्य आसित यदि पूर्व पक्षी न वचनम स्यात्। यदि पूर्व पक्षी वदिष्यति तर्हि एवं वदिष्यति कि पशुत्वम इदं पशुत्वम अन्येभ्य पशुभ्य न भविष्यति तत्र छाग पशु तो एकमेव अस्ति। छाग से भिन्न, छाग से भिन्न बहुत सारे हैं, उनसे ये विशेषित करने योग्य नहीं है। ऐसा जो आप देखते हो अन्य छाग से भिन्न बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत आया हुआ है यहां पर, ठीक है। और कुछ पूछना है? हाँ रविशंकर जी। ओम
आचार्य जी पृष्ठ 2027 पर ये जो सूत्र में ये जो रूप है तो सिद्धांती रूप से क्या ग्रहण कर रहा है, और दूसरा भाष्य की ऊपर से जो तीसरी पंक्ति है, यदि अंतरेण वचनम अमुष्कराह तदेदम उपपद्यते, ये वाली पंक्ति स्पष्ट नहीं होगी। छाग शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, छाग शब्द का जो अपना रूप है, जो छाग शब्द दिखाई दे रहा है ना, उसको लेकर के ये कथन कर रहे हैं। यद्यपि इसका अर्थ रूपात लिंगाच, दो बातें कही गई, रूप से और लिंग से। पहले आपका प्रश्न है रूप से, वो देखिए, स एव अश्वच्छागो भविष्यति, पूर्व पक्षी कह रहा है रूप से, रूप के कारण से। यद्यपि मंत्रवर्ण से छाग शब्द आया है, लेकिन छाग शब्द से किसका ग्रहण होगा, किसका स्वरूप ग्रहण होगा, तो शब्द जिस अर्थ को कहता है उसका ग्रहण होगा। वो कहता है यच्छिन्न गमनो अश्व स छाग, छिन्न गमन, ये रूप बताया जा रहा है, छिन्न गमन वाला छाग, छिन्न का छ और गमन का ग, छिन्न गमन वाला जिसका गमन छिन्न है, कटाफटा है, ठीक है, इस रूप में। तो जो छिन्न गमन वाला है वह अश्व भी छाग कहलाएगा। ये रूप आ गया, स्वरूप आ गया कि कैसा पशु होना चाहिए जो छिन्न गमन वाला है, ठीक है। हाँ तो जी, जब कभी भी रूप की बात आएगी तो मतलब जो शब्द जिस अर्थ को कह रहा है वही उसका रूप होगा, ऐसा मानेंगे? हाँ, ऐसा हो ही रहा है ना, रूढ़ी में भी होता है, लेकिन जहां शब्द जिसको कह रहा है ये छाग निरुक्त प्रक्रिया से इस तरह से अर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो ये ही इसका रूप है, रूप का उदाहरण यही बनेगा कि यह छिन्न गमनो अश्व सा छागा, तो कोई भी छिन्न गमन वाला होगा। अब वो कोई अश्व ही नहीं, छाग ही नहीं, छाग तो छाग है ही, अन्य भी जो है कोई भी हो सकता है पशु, जो भी छिन्न गमन वाला है। अब ये उसका स्वरूप बता दिया गया, अब इसको रूढ़ ही नहीं रखा। ये छाग शब्द एक अजा के लिए है, पशु विशेष के लिए प्रयुक्त है, वो अर्थ ना करके छिन्न गमन वाला। अब जैसे गौ शब्द है तो गौ के लिए क्या कहते हैं, गच्छति इति गौ। अब ये इसका स्वरूप आ गया, रूप आ गया, तो किसे कहेंगे गौ, जहां पर ये घट रहा है। किसी ने गौ शब्द का मतलब तो प्राणी विशेष लिया, दूसरे ने कहा नहीं यहां पर ये पशु विशेष नहीं, यहां पर दूसरा अर्थ आएगा। जैसे आज के वेद मंत्र स्वाध्याय में गाम शब्द था, ठीक है, गाम था ना, उसका पृथ्वी अर्थ भूमि अर्थ लिया। अब कोई कहने लगे नहीं गऊ का मतलब तो गाय है, बोले नहीं यहां पर रूप अर्थ लेंगे, रूप का मतलब है गच्छति इति गऊ। वो पृथ्वी भी गमन करती है, इंद्रियां भी गमन करते हैं, किरणें भी गमन करती हैं, और पशु भी गमन करता है, और पशु भी तो सारे पशु गमन करते हैं, लेकिन फिर भी पशु विशेष में लिया जाता है, तो ये योग रूढ़ी कहलाता है। तो ऐसे ही ये केवल रूप बताया गया, छिन्न गमना, ये तो रूप हो गया। क्वचित करके जो आगे कहा ये लिंग का उदाहरण है, लिंग संकेत क्या मिला, मुष्करा भवंती इति श्रूयते, वो अंडकोश के सहित होते हैं, बनी बधिया किए हुए नहीं होते हैं, मुष्करा भवंती, ये एक वचन मिला। इसे सीधे सीधे तो कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन मुष्करा भवंती ये एक वचन आया, एक वाक्य मिला। आगे कहते हैं यदि अंतरेण वचनम अमुष्करा तदे तदे तद एतद तद एवं उपपद्यते। देखो, आपने ये पूछा कि यदि अंतरेण वचनम अमुष्करा तदा इदम उपपद्यते, इदम का मतलब है मुष्करा भवंती, ये वचन है मुष्करा भवंती, ये जो वचन है ये तब कब संगत होगा जब इस वचन के बिना अमुष्कर का ग्रहण हो रहा हो। इस कथन को कहने की क्या आवश्यकता पड़ी, बधिया का ग्रहण हो रहा हो उसको रोकने के लिए तो ये विशेष कथन कहा गया मुष्करा भवंती, ये तब संगत होगा, नहीं तो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो क्या यदि अंतरेण वचनम, बिना वचन के, बिना किसी कथन के अमुष्कराह, यदि अंतरेण वचनम अमुष्करा, बिना ये जो छाग वाला वचन है इसके बिना भी, किसी भी वचन के बिना यदि यहां पर अमुष्कर लिए जाएं, अमुष्कराह, यहां अल्प विराम लीजिए, तदा इदम उपपद्यते, तब ये वचन मुष्कर वाला संगत होता है, नहीं तो ये कथन ही सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पूर्व पक्षी क्या कहना है, छिन्न गमना में वहां पर वो बधिया किया हुआ ही अर्थ ले रहा है, छिन्न है जिसका अंडकोश, छिन्न हो गया, काट दिया है जिसका या दबा दिया है, तो यदि छिन्न गमनो अश्व छागह, तो अन्य प्राणी भी जो बधिया किए हुए हैं वो लिए जा सकते हैं, यो यानी अन्य पशुओं का ग्रहण हो जाएगा। तो इसको, इसकी पुष्टि के लिए ये साथ में कह रहा है कि ये जो मुष्करा भवंती, ये जो वचन है ये क्यों कहना पड़ा, क्योंकि छाग शब्द पहले से कहा गया है, यदि बिना छाग शब्द के पढ़े भी, या तो छाग के, यदि अंतरेण वचनम अमुष्कराह, वचन शब्द जो है यहां पर छाग वाला, ये जो अर्थ है ना, छिदेर गमेश छाग शब्द प्रसिद्ध, क्वचित मुष्करा भवंती इति श्रूयते, यदि अंतरेण वचनम, यानी ये जो छाग वाला वचन नहीं होता, यूं कहिए, यदि अंतरेण वचनम अमुष्करा, यदि छाग वाला वचन नहीं होता और उससे अमुष्कर लिया जाता तो ये मुष्करा भवंती वचन संगत होता। तस्मा छिन्न गमनो अश्वोपि छागा इति, तो लेकिन इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर वचन तो है, छाग वाला वचन है, और छाग वाले वचन से छिन्न वाला ही अर्थ लिया जाएगा, इसलिए यहां पर अश्व का भी ग्रहण हो जाएगा। हालांकि ये इसमें भी नीचे खोला नहीं है इन्होंने भी, थोड़ा सा छिन्न गमन, क्योंकि इन्होंने विवरण में भी आगे लिखा है कि ये जो लिखा है ये अस्पष्ट है, अब नीचे इन्होंने बोला कि यदि इस वचन के बिना अमुष्कर हो तो यह उपपन्न होता है, अब ये यह और इस का कोई अर्थ नहीं खोला है, इससे किससे कहना चाहते हैं, थोड़ा संदिग्ध है। ठीक है, और कुछ पूछा है? हाँ आचार्य जी, पृष्ठ 2022 पर 32वें सूत्र के भाष्य की 2022 भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ, के अंत से जो अन्य एव पशु शब्द से अर्थ पशुत्वम अन्यो मंत्र वर्णेन नियम्यते छागा, हाँ, ये स्पष्ट नहीं हो रही थी पंक्ति। देखो पशु शब्द का अर्थ पशुत्व है ना, पशुम आलभेता, इसमें जो पशु शब्द का अर्थ क्या है, पशुत्व, ये एक अलग अर्थ हो गया, और मंत्रवर्ण से मतलब छागस्य वपाया मेधसो अनुब्रूही, इसमें जो छाग शब्द है इसका अर्थ, ये दोनों ही अलग अलग हैं, वहां छाग का मतलब तो पशु विशेष है और वहां पशु का मतलब पशुत्व है, तो अन्य एव पशु शब्द से अर्थ, पशु शब्द का अर्थ अलग है, क्या वो है, पशुत्व, पशुत्वम, और अन्यो मंत्र वर्णेन नियम्यते, मंत्र वर्ण के द्वारा अन्य का ही नियमन किया जा रहा है, किसका, छागः, तस्मात् न मंत्र वर्ण चोदना विरोधेन नियंतुम अर्हति, और ये जो मंत्र वर्ण है ये विधि के विरोध से नियमन नहीं कर सकता है, कहने का तात्पर्य है कि मंत्र वर्ण तो दुर्बल होता है, विधि तो साक्षात कही गई है, तो आप पूर्व सिद्धांति ने यह किया ना, मंत्र वर्ण के अनुसार यहां पर विशेषित किया, विशेषित करते हुए बदलाव किया, पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि मंत्रवर्ण से जो छाग अर्थ आ रहा है वो विधि के पशु शब्द के अर्थ को बदल नहीं सकता है, वहां पशु का मतलब पूरा पशुत्व नहीं, पशु सामान्य का ही ग्रहण होगा, ऐसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं। पंच उत्तर द्विशास्त्रम 2005 विंशति सूत्र से तृतीय पंक्ति, हाँ, यथा प्रयाजान अश्रुतान प्रयोजयति, हाँ, तत्र अश्रुतान कथम प्रयाजान तो श्रुतान भवन्ति,
पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, ये तो ये जो इष्टि है वो आवनीय का प्रयोजन करे, यथा प्रयाजन अश्रुतान। वहां प्रयाज अश्रुत मतलब है सीधे वहां पढ़े ही नहीं गए ना, मुख्य के लिए आधान के संदर्भ में वहां पर पढ़े नहीं गए हैं। आधाने प्रयाजा भवंती उत दशपूर्ण मास नहीं, दशपूर्ण मास में होते हैं, लेकिन वहां ये जो आधान है, ये जो इष्टि है, ये इष्टि आवनीय का को तो प्रयोजित कर सकती है, यानी आवनीय इष्टि के लिए है। सीधे सीधे नहीं कहा गया, ये पूर्व पक्षी तो प्रस्तुत कर रहा है कि वो चाहता है कि ये इष्टि भी आधान युक्त तो हो, संस्कृत अग्नि में ही हो, तो उस आधान का प्रयोजक आधान की प्रयोजिका इष्टि ये कह रहा है। तो बोले जैसे ये सीधे कहीं नहीं गए, तो प्रयाज अश्रुत है मतलब सीधे सीधे आधान के साथ में लिख करके नहीं करे गए हैं, लेकिन फिर भी प्रयाज आधान की भी अग्नि में ही किए जाते हैं, तो जो आधान आधान का प्रयोजक प्रयाज भी हो गया, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। प्रयाज आधान आधान का प्रयोजन प्रयाज है ऐसा न कहा गया, प्रयाज तो पढ़े गए हैं लेकिन प्रयाज के लिए आधान किया जाता ऐसा नहीं सुना गया है, लेकिन फिर भी प्रयाज में आधान की भी अग्नि का ही ग्रहण किया जाता है, ऐसे यहां इष्टि में भी हो जाएगा। अग्नि में प्रश्न है, द्वितीय पंक्ति, तदंगम आधानम न कर्मांगम। क्या कह रहे हैं? द्वितीय पंक्ति, हाँ, तदंगम आधानम न कर्मांगम। हाँ, तत्र प्रश्न भवति, तत्रापि अग्निर अपेक्षते तस्य अंग कथम भविष्यति इति प्रश्न भवति। नहीं, इसका तत् का मतलब क्या ले रहे हैं? तत्का मतलब क्या ले रहे हैं? तत्का मतलब है अग्नि, अग्नयः। अग्नयः भवन, देखो सर्वकर्म शेष भूता अग्नयः, अग्निया सब कर्मों के शेष भूत हैं, यानी तो गुण है, अप्रधान है, अग्नि सब कर्मों के लिए है, तो सब कर्मों की शेष भूत अग्नि है, और उस अग्नि का अंग आधान है, आधान जो है वो उस अग्नि का अंग है, यानी आधान अग्नि के लिए है, अग्नि सब कर्मों के लिए है, इसलिए आधान अग्नि के लिए है, न कर्मांगम, आधान जो है वो कर्मों का अंग नहीं है, आधान जो है वो कर्मों का अंग नहीं है, वो अग्नि का अंग है। कर्मों का अंग कहना है वो परंपरा से तो बन जाता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आधान किया है अग्नि के लिए और अग्नि है कर्म के लिए, तो परंपरा से कहना चाहो तो कह लो, पर ये परंपरा से नहीं कह रहे हैं, अब ये साक्षात कह रहे हैं, आधान किसका अंग है? कर्मांग, कर्म का अंग नहीं है, उसका निषेध कर रहे हैं ना। अत्र मम प्रश्न कि कर्मांग विषय आधानस्य किमर्थम ग्रहणम भवति, तद शब्द कर्म विषय तद अंगम आधानम तद शब्देन अग्नि गृह्यते। तो देखो आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तद तद अंगम आधानम, हाँ, तो तद शब्देन अग्नि गृह्यते, तद शब्देन, हाँ, अग्नि ही गृह्यते, ठीक है, तो न कर्मांगम तत्रापि अग्निये अब ग्रहणम भविष्यति, आधानस्य ग्रहणम कथम कुर्वन्ति। एक मिनट, पहले आपने कहा कि तदंगम आधानम में तत् का मतलब अंगी लिया जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तदंगम आधानम यानी अग्नि का अंग आधान है, अग्नि का अंग आधान है, ये हो गई बात, ठीक है। हाँ, अब आगे न कर्मांगम में क्या आपत्ति आ रही है? अस्य विषय अस्ति, आधान विषय अस्ति वा अग्नि विषय अस्ति, क्या कर्मांगम निषेधम भवति आधान के विषय में, आधानस्य कथम ग्रहणम भविष्यति, तद शब्देन तो अग्नि गृह्यते अत्र, तदंगम आधानम तत् का अनुवाद है और उसमें आधान का अंगत्व बताया जा रहा है, विधि है, तदंगम आधानम, आधान जो है न तदंगम, आधानम न तदंगम, नहीं, आधानम तदंगम न कर्मांगम,
आधान जो है तत्का अग्नि का अंग है, न कि कर्म का अंग है। आप अगर यहां अग्नि को लोगे तो अग्नि तो कर्म का अंग है ही, वो तो पहले कहा ही ना सर्व कर्म शेष भूताग्नय, वो तो वहां पर अंग कह ही दिया, वो अर्थ ही नहीं इसका। सप्तम पृष्ठ प्रथमा पंक्ति, ब्रह्मचारी अवकिरणी नरिति गर्दवम आलभेत। तो पूर्वमेव अस्य विषये उपनयन विषये चर्चा अभूत, पुनः अस्य प्रकरण से कहा लौकिक अग्नि की, पहले ये नहीं कहा ना कि कौन सी अग्नि हो, तत्रापि लौकिक अग्नि विषय वासी मुख्य विषय क्या था, उपनयन विषय है, उपनयन विषय, उपनयन अधिकरण मस्त न पूर्व अस्मत पूर्व उपनयन अंग होमान लौकिक अग्निशु अनुष्ठान अधिकरण। नहीं तो आप किस इस पूर्व अधिकरण की कह रहे हो या तो नहीं, तत्र यदा निर्णय अभूत कि लौकिक अग्निशु भवति क्या उपनयन होम, उपनयन लौकिक अग्नि में होता तो है। ब्रह्मचारी अपि तो तथैव अस्ति, तो पुनः अधिकरण से का आवश्यकता है, पशु याग की बात आई ना यहाँ पर, पशु याग की बात आई तो सामान्यतया पशु वहां किया जाता है, लेकिन यहां लौकिक अग्नि में किया जाएगा, उससे जुड़ी भी बात है ना। हाँ इनका यह कहना है कि जब ब्रह्मचारी के लिए लौकिक अग्नि का पहले कह ही दिया है उपनय से, उपनयन से जुड़ करके, तो यहां फिर क्यों आवश्यक किया, तो ये अवकीर्णी पशु याग। हाँ ओम। अच्छा जी ये मुझे ये समझ में आया, उस समय भी कहने का प्रयास किया, ये ब्रह्मचारी गर्दभेजा जो प्रकरण है वो जिस समय याग का अनुष्ठान हो याग के लिए प्रवृत्त हो गया दीक्षित हो गया वह तब वो ब्रह्मचारी है कहलाता है, तब अवकीर्णी की बात। ठीक है ठीक है, ये लिया जा सकता है जो रविशंकर ये कह रहे हैं शक्ति नंदन जी, उस संदर्भ में इसको ले सकते हैं। इन्होंने तत्र तो उक्तम एव न च भार्य संयोगात, भार्य संयोग एव आधानम भवति, भार्य संयोग मंत्रण आधानम न भवति, तत् निर्णीतम एव। नहीं निर्णीत है, इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि चूंकि उसके लिए आधान की भी अग्नि का निश्चय है तो अब विशेष विधान किया जा रहा है कि ये लौकिक अग्नि में होगा, इसको और देख लूंगा किस संदर्भ में, सामान्य रूप से है अथवा था या था ये, तो ठीक है पर यही अर्थ लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर भी हो गया इसमें। क्योंकि वहां तो ये प्रश्न आएगा ना कि ये तो यजमान है, उसकी अग्नि है पहले से और विवाहित है वो, तो ऐसे में उसके कर्म सारे आहित अग्नि है वो, तो उसी में ही होते हैं संस्कृत अग्नि में, आधान की भी अग्नि में, लेकिन ये उसके आधान की भी अग्नि में नहीं होगा, उसके लिए लौकिक अग्नि लेनी होगी, ये विशेष विधान हो गया। ठीक है आपके प्रश्न का उत्तर तो आ गया ना, आपका प्रश्न तो यही था ना कि भाई पिछले अधिकरण से ही सिद्ध हो गया कि इसको लौकिक अग्नि में करना होता है, तो ये क्यों कहा गया, तो इस ये व्याख्या करके जो उपनयन किया हुआ ब्रह्मचारी है अविवाहित है उसका प्रसंग ही नहीं रहा, ये तो यजमान के लिए हो गया, जो यजमान ब्रह्मचारी थी तो अविवाहित है वो बहुत ही अविवाहित, अरे ये थी बात थी वही तो स्पष्टीकरण किया इन्होंने, उसने भाई याग के समय में ब्रह्मचर्य का व्रत है वही तो काम नहीं नहीं ये उस तरह से भी यहां मतलब जैसे गृहस्थ ब्रह्मचर्य भी तो होता है, महर्षि दयानंद में भी तो लिखा है गृहस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थी भी ब्रह्मचर्य होता है ना, उसको गृहस्थ ब्रह्मचर्य के नाम से स्पष्ट किया गया। हाँ अरे तो तुल्य है तो विशेषण लगाए ना उसको, तुल्य इसके लिए लगा दिया गृहस्थ ब्रह्मचर्य। हाँ तीर्थराम जी इसमें गृहस्थ ब्रह्मचर्य वाले में रामायण में आता है चर्जी,
कि जब राम वन को गए तो इस रूप में कि ब्रह्मचर्य धारण करके वो साथ में गए, शादीशुदा तो थे ही जब 14 वर्ष गए, तो ये इस प्रकार की ध्यान ब्रह्मचर्य में दिया। 14 वर्ष के वनवास में जाने से पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के गए वो, वहां पर वो प्रसंग आता है कि मतलब जंगल श्री राम के लिए कह रहे हैं, वहां ऐसा उल्लेख आता है, होगा मेरे को नहीं पता, कह रहे हैं तो कि वो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के गए 14 वर्ष वन में जब तक रहेंगे। यथा गो शब्द प्राणी विशेष रूढ़ भवती तथेव ब्रह्मचारी शब्द विशेष रूढ़ भवती। तो कौन मना कर, गृहस्थ आदि अपने भगवान मदिष्यति अत्र ब्रह्मचारी, भाई उसके लिए तो कोई मना कर ही नहीं रहा है ना, जो अविवाहित है ब्रह्मचारी है, पठन पाठन में वेद में लगा है, ईश्वर में लगा है, या इंद्रिय का संयम है, जो भी अर्थ हो सकते हैं उसके, वो मुख्य अर्थ में जहां घट रहा है उसका तो कोई निषेध कर ही नहीं रहा है, लेकिन वहीं लगेगा ऐसा क्यों कह रहे हो? वो शब्द पर तक न तू नहीं तो, लेकिन दूसरे में गो शब्द अन्य जगह भी तो प्रयोग किया जाता है, योग रूढ़ी होते हुए भी, गो प्राणी में होते हुए भी अन्य जगह पृथ्वी वायु या तो किरण और इंद्रिय इसमें नहीं प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। योग रूढ़ी का यह मतलब नहीं है कि वो कहीं और जगह प्रयोग ही नहीं हो सकता है, जिस समय वो यौगिक रूप में बोला जाएगा प्रयोग किया जा सकता है। अन्य पशु सुना भावती, ठीक है, अन्य पशुओं में नहीं होता है, अन्य मनुष्य ये नहीं, ये कोई दृष्टांत की साम्यता नहीं है कि वहां अन्य पशुओं में नहीं होता है, तो ये यहां भी अन्य मनुष्यों में नहीं लगेगा, यहां पर तो स्थिति वहां जो भी गमन करता है वो गौ कहला सकता है, और अन्य पशु में भी मनुष्य भी एक प्राणी एक गौ है, तो सभी के लिए कह लीजिए, सामान्यतया कोई कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, ठीक है। इसका उत्तर इसमें भी देख सकते हैं, 2008 पृष्ठ में भाष्य में अंतिम से तीसरी पंक्ति में जो कहा, अप्राप्तो अयम अवधानस्य काल इत्येतत् उक्तम, तो उससे मिलाकर ये प्रकरण को देख रहे, अवधान का काल अप्राप्त कर, अवधानस्य अप्राप्त कालत्वाद इति सिद्धांतः, ये तो फिर शुरू वालों के लिए कह दिया इन्होंने, अवकरणी के लिए भी यही समाधान देख सकते हैं सर, आधान का अप्राप्त काल होने से, ये यजमान वाला नहीं है ये, आधान के प्राप्त काल वाला न होने से, ये बात नहीं है, आधान का प्राप्त काल नहीं है, यानी आप कह रहे हो कि आधान पहले से हो चुका है तो फिर तो आधान की भी अग्नि ही ले लेंगे, ये कोई हेतु नहीं बनेगा। आधान का अप्राप्त काल वहां घटेगा कि जो अभी गृहस्थ में नहीं गया है, दार संग्रह नहीं हुआ है उसका, इसलिए आधान का काल ही प्राप्त नहीं है, आधान तो तब होगा जब वो विवाह करेगा, उस दृष्टि से तो ये वहां जा रहा है, और उस पक्ष में अगर ऐसा है तो वहां कहेंगे भी ठीक है, वहां पर ये गर्दभेष्टि कही गई है, इज्जा कही गई है, यहां पर पशु याग कहा गया, पशु याग सामान्यतया पशु याग आधान की भी अग्नि में ही होता है, तो यहां पर भी वो आधान में प्राप्त हो रहा था, लेकिन उसके लिए विशेष विधान किया गया कि ये लौकिक अग्नि में ही होगा, यद्यपि जो अविवाहित है उसके लिए लौकिक अग्नि में काम करने को पहले कह दिया गया था, लेकिन कर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो आधान की भी अग्नि में प्राप्त हो रहा था, उसके लिए यहां पर निषेध कर दिया गया, ये लौकिक में होगा, वो बात है ठीक है, लेकिन अगर वहां पर आप कह रहे हो कि श्रोत उस प्रसंग में, लेकिन भाष्य की ये पंक्ति तो कुछ और कह रही है ना, चलो ये पक्ष भी लिख लिया, और इसको अगर लेंगे, ब्राह्मणो अग्निन आददीता वसंत ऋतु, भाई वो तो आधान किया है, आधान नहीं किया हुआ होगा तब की भी बात हो सकती, ठीक है, अविवाहित होने से ये भी एक बात है, अप्राप्त कालता और ऋतु ऋतु उपयुक्त ना है, उपयुक्त नहीं है, आगे देखिए, तो मीमांसा दर्शन 7वां अध्याय प्रथम पाद पहला अधिकरण है, प्रयाजादि धर्माणाम उपदेशेन प्रकृति मात्र अर्थताधिकरणम्, प्रयाज आदि के जो धर्म कहे गए हैं वो धर्म प्रकृति मात्र के लिए ही कहे गए हैं,
प्रकृति के लिए कहे गए हैं या विकृति के लिए कहे गए हैं, ये यहां पर प्रसंग उठेगा। एक बार धर्म कह दिए गए तो सब जगह लागू हो जाएंगे ये है, या जहां कहे गए हैं वहीं लगेंगे। इनका क्या, प्रकृति मात्र अर्थता, प्रकृति मात्र का ही उसका प्रयोजन है, वहीं पर ही लगेंगे, ये सिद्धांति का पक्ष। तो ये जो सातवां अध्याय है ये अतिदेश के लिए है, इसमें अतिदेश के बारे में चर्चाएं चलेंगी। अतिदेश कहते हैं ये वैसा हो, ये उस जैसा है, उसके समान यहां हो जाए, इसको अतिदेश कहते हैं। तो अतिदेश के बारे में चर्चा चलेगी, और प्रथम पाद में जो है इसमें प्रत्यक्ष वचनों का अतिदेश सापेक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष वचनों के अतिदेश की चर्चा चलेगी पहले पाद के अंदर। तो इसका विषय उठा रहे हैं पहले, हर अध्याय के पहले जैसे लेते हैं, तो पीछे की गई तुलना हम मीमांसा का जो 12 अध्याय जो मानते हैं उसमें हम मीमांसा का आधा भाग देख चुके हैं, तो अब ये दूसरा आधा भाग शुरू हो रहा है, पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध शुरू हो रहा है। तो एक विचार की बात है, विश्लेषण की बात है, उसको यहां पर ये प्रस्तुत कर रहे हैं। 12 अध्याय मान करके ही लिख रहे हैं, 16 अध्याय मान करके नहीं लिख रहे हैं, ये जो आगे भाष्यकार का वचन है, पीछे भी संकेत आया था, वो 12 अध्याय मानते हैं। पूर्वेण अध्याय शतकेन प्रत्यक्ष विहित धर्माणाम कर्माणाम दर्शपूर्ण मासादीनाम इति कर्तव्यता चिंतिता। जो पूर्व का अध्याय शतक है, तो दो ही शतक होंगे ना, पूर्व वाला 6 और बाद वाला 6, उसमें क्या प्रत्यक्ष विहित धर्मों के कर्मों की दर्शपूर्ण मासादियों की इति कर्तव्यता की चिंता की गई, विचार किया गया। जिन धर्मों का प्रत्यक्ष कथन किया गया, ऐसे कर्मों की, वो कर्म कैसे, दर्शपूर्ण मास आदि, उदाहरण दिया, दर्शपूर्ण मास आदि जो कर्म थे उनके जो प्रत्यक्ष धर्म कहे गए थे उनकी चर्चा पीछे की गई थी। उत्तरेण इदानीम अभिहितेन अभिहिता इति कर्तव्यता केशु इंद्राग्नादिषु चिंतयितुम इष्यते। अब बाद वाले जो 6 हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, उत्तरेण इदानीम, अब बाद वाले के द्वारा अभिहित इति कर्तव्यता केशु, जिनकी इति कर्तव्यता कही नहीं गई है, विहित नहीं है, प्रत्यक्ष कथन नहीं किया गया है, जिनकी इति कर्तव्यता नहीं कही गई है ऐसे कर्मों की, उनके उदाहरण के रूप में कह दिया ऐन्द्राग्नादिषु, ऐन्द्राग्नादि कर्मों में उनके बारे में चिंतयितुम इष्यते, अब उनके बारे में विचार किया जाना इच्छित है, अपेक्षित है। उसमें चर्चा करें, तत्र यदि दर्शपूर्ण मासादीनाम प्रकरणे ये विहिता धर्माः ते सर्वकर्मसु विहिता भवन्ति। अगर ये माना जाए कि दर्शपूर्ण मास आदि प्रकरण में जो धर्म कहे गए हैं वो सभी कर्मों में विहित हो गए हैं, सभी कर्मों में जो भी विकृति आ गए उन सब में, सभी कर्मों में विहित हो गए, यदि ऐसा माना जाए तो ततस्तैरेव धर्मैहि ऐन्द्राग्नयोऽपि धर्मवन्तः उक्ताः। तो फिर तो ऐन्द्राग्नि जो है वो भी उन्हीं धर्मों से युक्त तो मान लिए जाएंगे, क्योंकि वो सब जगह पहुंच रहे हैं तो ऐन्द्राग्नि में भी पहुंचेंगे। तथा कर्तव्या, और उसी तरह वो करने चाहिए, इति ऐसे होने पर नार्थम उत्तरेण षटकेन, नार्थ उत्तरेण षटकेन, फिर तो उत्तर बाद वाला जो षटक है यानी बाद के जो 6 अध्याय उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, जो चर्चा चलनी थी वो पीछे हो चुकी, जैसी जहां धर्म पढ़े गए हैं प्रकृति वैसे ही विकृति में और अन्य यागों में भी समझ लेनी चाहिए, फिर तो बाद के 6 अध्यायों का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन अथ ये यस्य प्रकरणे उच्यन्ते ते तत्रैव उक्ता भवन्ति, लेकिन अगर ऐसा मानते हैं कि जो धर्म जहां पढ़े गए हैं उन्हीं के ही हैं अन्यों के नहीं है, तो ततो अधर्मकाणी ऐन्द्राग्नादीनी इति तेषु चिंता भवति। तो ऐसे में ये होगा कि जो ऐन्द्राग्नादि हैं वो बिना धर्म के हैं, क्योंकि वहां जो पहले जिनके धर्म कहे गए थे जिन कर्मों में, वो धर्म यहां तो आए नहीं है इस पक्ष में, तो बात आएगी कि यहां पर कौन से धर्म होंगे। तेषु चिंता भवन्ति भवति, क्या किम एषां धर्मा संति उतना इति, कि इनके धर्म हैं या नहीं है, पहली बात ये आएगी, ये जो ऐन्द्राग्नादि हैं उनके कोई धर्म हैं या नहीं है, ये पहला प्रश्न खड़ा होगा, और ये 7वें अध्याय का विषय है।
इंद्राग्नादि के धर्म होते हैं या नहीं होते हैं, ये सातवें अध्याय का विषय प्राय करके। और यदा चसंती, और जिस पक्ष में ये सिद्ध हो जाएगा कि हां इंद्राग्नादि के भी धर्म होते हैं, तो तदा के कियंतोवा, वो कौन से हैं और कितने हैं, ये प्रश्न खड़ा होगा। वो धर्म कितने हैं, कौन है, ये आठवें अध्याय का विषय है, आगे आएगा प्राय करके। वा कथम अनुष्ठातव्या इति, और उन धर्मों का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, ये भी फिर प्रश्न खड़ा होगा, उसका विषय है, वो विषय है नवमें अध्याय का। तो अगले सात आठ और नौ के विषय यहां पर बताए गए। ये किस पक्ष में बनेंगे, जब ये मानेंगे कि ऐन्द्राग्नादि के भी धर्म होते हैं, जो प्रकृति में दर्शपूर्ण मास आदि में धर्म कहे गए हैं वो ऐन्द्राग्नादि के ही आ जाते, तब तो चर्चा की बात ही नहीं थी, लेकिन वो धर्म यहां नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके धर्म तो हैं, ये एक बात हो गई। वो धर्म है तो कौन कौन से हैं और उनका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, ये ही सातवें आठवें नवें का विषय है, अर्थात इससे संबंधित प्रश्नों को यहां पर उठाया जाएगा। ये मान करके कि इनके धर्म हैं, ये चर्चा होगी, और कौन कौन से धर्म है इस पर चर्चा होगी, ये धर्म है या नहीं है, और उनका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इत्यादि की चर्चा ये सात आठ नौ में होगी। तदर्थम उत्तर शतक प्रवर्तनीय, इसके लिए बाद वाला शतक प्रवर्तनीय है, छह है, छह अध्यायों का षटक। हाँ, तदर्थम उत्तर षटक प्रवर्तनीय, तो बाद वाला जो छह है वो प्रवर्तित होने चाहिए। तो सात आठ नौ का तो देखा, और दस ग्यारह बारह का क्या है वो बताएंगे अभी, वो भी इनसे संबंधित ही होगा। स्वयं कह रहे हैं तत्र सप्तमेन तावत् संति धर्मा इति उच्यते, सातवें अध्याय से ये कहा कि इनके भी धर्म होते हैं। पीछे प्रश्न किया था ना, किम एषां धर्मा संति उत न इति, ये कहा कि तो तत्र सप्तमेन तावत् संति धर्मा इति उच्यते, बस इतना ही, इसी की चर्चा चलेगी। अष्टमेन च इमे अस्य इति, आठवें से यह पता लगेगा कि ये धर्म इसके हैं, ये इसके हैं या इसके नहीं है। और इत्थम प्रयोक्तव्या इति नवमेन, नवमे अध्याय से पता लगेगा कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। आगे दशमी कादश द्वादश एतावंत प्रयोक्तव्या न अतो अधिका इति, तो दसवां ग्यारहवां और बारहवां इनके द्वारा क्या विषय लिया जाएगा, एतावंत प्रयोक्तव्या न अतो अधिका, इतने ही प्रयोग किए जाने चाहिए, इससे अधिक नहीं किए जाने चाहिए। ये जो अधिक न करने का जो निषेध है वो दसवें ग्यारहवें बारहवें अध्याय में आएगा। तो बाकी के छह अध्यायों का विषय यहां पर संक्षेप से बताया गया। अब विचार कर रहे हैं, तत्र इदम विचार्य थे किम यजि प्रयुक्ता एते धर्मा कथम यजेर गुणवान स्याद इत्येवम अर्थम आमनायन्ते अथो आहोस्वित अपूर्व प्रयुक्ता कथम अपूर्वम स्यादिति। ये जो याग के साथ में धर्म पढ़े गए हैं, इसका प्रयोजक कौन है, याग प्रयोजक है इनका, याग प्रयोजक है, तो बोले यजि प्रयुक्ता एते धर्मा, याग हो रहा है इसलिए ये धर्म करने चाहिए, क्या ये प्रयोजन है। अगर ऐसा है तो क्या होगा कि कैसे ये जो याग है ये गुणवान होवे, इसलिए इनका कथन किया गया। यदि याग इनका प्रयोजक है तो ये इन धर्मों, ये धर्म क्यों किए जा रहे हैं, ताकि याग गुणवान हो, इसलिए इनको इनका प्रयोग किया है। और यदि कहें कि ये अपूर्व से प्रयुक्त है तो कहा जाएगा कथम अपूर्वम से आदित्य, ये धर्म इसलिए लिए गए हैं ताकि अपूर्व का निर्माण हो, कर्म से अपूर्व का, तो याग अलग चीज हो गई, अपूर्व अलग हो गया। याग से अपूर्व उत्पन्न होता है, धर्मों से अपूर्व उत्पन्न होता है, तो ये जो धर्म है वो याग के लिए हैं अथवा ये अपूर्व के लिए हैं, इनका प्रयोजक क्या है, अब इसी पे चर्चा चलेगी आगे। अभी तो दोनों पक्ष रखे हैं। कहते हैं अथ अपूर्व प्रयुक्ता, नहीं, यदि यजि प्रयुक्ता तथा सर्वार्थः, अगर ये याग के लिए हैं धर्म तब तो सभी यागों में लग जाएंगे। पीछे जो चर्चा चल रही थी कि ये जो धर्म हैं जो पहले कहे गए हैं वो सब पे लगेंगे अथवा जहां कहे गए हैं वहीं पर ही लगेंगे, तो अगर ये मान लिया जाए कि ये याग के लिए हैं तो याग जहां भी किया जा रहा है वहां सब जगह ये लग जाएंगे,
तो सब यागों के लिए ये धर्म लग जाएंगे, भले ही वहां ना पड़े गए हों। तो कहा यदि ये जी प्रयुक्ता तथा सर्वार्था, तो ये सबके लिए हो जाएंगे, और अथा अपूर्व प्रयुक्ता तो यथा प्रकरणम व्यवतिष्ठन्ते, अगर ये अपूर्व से प्रेरित हैं, इस फल अपूर्व के अनुसार फिर फल होता है, सबका अपूर्व अलग अलग बनता है, तो यदि अपूर्व के लिए हैं तब तो जिस जिस प्रकरण में ये पढ़े गए हैं वहीं वहीं रहेंगे, अन्य यागों में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अन्य यागों का या हर याग का अपूर्व अलग अलग होता है, क्योंकि हर याग का फल अलग अलग होता है। जब फल अलग है, फल कैसे बनता है? याग यानी कर्म वो तो क्षणिक है, समाप्त हो जाता है, उससे अपूर्व बनता है और अपूर्व से फल होता है। तो चूंकि फल अलग अलग हैं तो इसका मतलब है अपूर्व भी अलग अलग होगा। तो ऐसे में जो धर्म जिस अपूर्व के लिए कहे गए हैं, जिस फल के लिए कहे गए हैं, वहीं पर ही होंगे। चूंकि अन्य यागों में अपूर्व, दूसरे ढंग से कहें तो फल अलग है, इसलिए वो धर्म मान ही जाएंगे। समान तो अपूर्व बनना नहीं है, समान तो फल होना नहीं है, भिन्नता है उसमें, इसलिए ये धर्मों की समानता नहीं हो सकती, इसलिए ये धर्म सब जगह नहीं जाएंगे। यदि केवल याग को ध्यान में रख के करते तो याग तो ये भी है, याग तो वो भी है, याग तो वो भी है, तो सब जगह चले जाएंगे, जहां जहां याग होगा वहां वहां चले जाएंगे। और जब अपूर्व मानेंगे तो उस पक्ष में जहां जहां ये अपूर्व होगा, जहां जहां ये फल की कामना होगी वहां वहां तो जाएंगे, सब जगह नहीं जा सकते। आगे किम पुनरत्र युक्तम, तो फिर क्या माने यहां पर, क्या ठीक है? तो सिद्धांती कहता है अपूर्व प्रयुक्त आए थे, ये अपूर्व से प्रेरित है। क्यों? अपूर्वम ही फलवत, क्योंकि अपूर्व ही फल वाला होता है। अफलो यजि ही, यजन जो है वो फल वाला नहीं होता है। और फलवती च प्रयासो विधीय मानो अर्थमान भवती, जो फल वाली चीजें होती हैं उसमें किया गया प्रयास, उसके लिए किया गया प्रयास विहित किया जाता हुआ सार्थक होता है, नहीं तो ये सारे प्रयास यानी धर्म, धर्म का विधान, धर्म विहित किए गए और उनको करना, ये तब सार्थक हो सकते हैं जब ये अपूर्व से जुड़े। याग से जुड़ेंगे तो याग तो फलवान है नहीं, साक्षात नहीं है। याग से अपूर्व बनेगा, अपूर्व से फल बनेगा, ये ठीक है, लेकिन याग से फल नहीं बनेगा, इसलिए ये याग के लिए नहीं है। अफलो यजि ही, यजि जो है वो तो बिना फल वाला है, वो तो केवल अपूर्व को उत्पन्न करता है। फलवती च प्रयासो विधीयमानो अर्थवान भवती, तस्मात अपूर्व प्रयुक्ता धर्मायति, ये सब धर्म अपूर्व से प्रयुक्त है, अपूर्व को प्राप्त करने के लिए कहे गए हैं। अतः परमाचार्य से सूत्रोपन्यास, इसलिए परमाचार्य का ये सूत्र का उपन्यास है, ये सूत्र को जो लिखा है एकत्र किया है। तो परमाचार्य कौन? यहां पर जैमिनी मुनि को, शबर मुनि जैमिनी को परमाचार्य के नाम से बहुत सम्मान से लिख रहे हैं। तो देखिए, तो क्या कहते हैं है? नहीं, अतः परमाचार्य से मतलब, हाँ ठीक है कर लीजिए। अब इसके आगे सूत्र आचार्य का सूत्रोपन्यास है, अभी तक तो मैं ही चर्चा कर रहा था, ठीक है ऐसा कर लीजिए। कर लो, आगे देखिए, ये सिद्धांती कहता है स्तुति प्रमाणत्वात् शेषाणाम अल्पविराम मुख्य भेदे यथाधिकारम भावः स्यात्। श्रुति का प्रामाण्य होने से शेषों के विषय में श्रुति का प्रामाण्य, कि ये शेष है, ये प्रधान है, ये प्रधान है, ये शेष है, इसमें श्रुति ही प्रमाण है, श्रुति के प्रमाण से ही शेष का ज्ञान होता है। तो मुख्य के भेद होने पर, जो मुख्य कर्म है उनके चूंकि भेद होने पर, ये जो शेष है वो तो गुण रूप में है, वो शेष यानी धर्म आदि, तो जहां मुख्य का भेद होगा तो यथा अधिकारम भावस्या, जैसा उनका अधिकार है उसी के अनुसार ये जो गुण है उनकी भी भाव यानी सत्ता होगी, ये भी वहीं वहीं देखे जाएंगे। भाष्य सूत्र को जो का तो लिखा पहले, श्रुति प्रमाणत्वात् शेषाणाम मुख्य भेदे यथाधिकारम भावस्यादिति, सूत्र जो का तू है खोल रहे हैं। मुख्यानी अपूर्वाणी, यहां पर जो मुख्य भेदे जो लिखा हुआ है,
मुख्य का भेद होने पर, या मुख्य का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा मुख्यानि अपूर्वाणी, जो अपूर्व है वो मुख्य है, यानी याग मुख्य नहीं है, प्रधान कर्म मुख्य नहीं है, यहाँ अपूर्व मत को कहा गया है। तो मुख्यानि अपूर्वाणी अपूर्व मुख्य है, क्यों मुख्य है, तानी ही फलवत्वात् प्रधानानि, क्योंकि वो फल वाले होने से प्रधान है, और प्रधान है च मुख्य शब्द, प्रधान में मुख्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है। तेषां भेदः उक्तः शब्दांतरादिभिर् हेतुभिः, और उनका भेद वहां पर पहले कहा गया है शब्दांतर आदि हेतुओं से, शब्दांतर से, ये पीछे दो दो एक में प्रसंग आया हुआ है, सूत्र है वहां पर, उसको ये उद्धृत कर रहे हैं। तो वहां पर शब्द के भेद से कर्म की भिन्नता को सिद्ध किया, जैसे याग होम और दान, ये प्रसंग वहां पर था, तो चूंकि शब्द का भेद है इसलिए कर्म का भी भेद माना जाएगा, तो उसके लिए इन्होंने कहा तेषां भेदः उक्तः शब्दांतरादि हेतु भिर, शब्दांतरादि भिर हेतु भी, तस्मिन् मुख्य भेदे सति यथाधिकारम भावस्यात् शेषाणाम। तो इसलिए मुख्य का भेद होने पर, यानी अपूर्व का भेद होने पर, नाम के भेद से अपूर्व का भेद है, इसलिए जैसा जिसका अधिकार है वैसी ही उनकी सत्ता वहां पर समझनी चाहिए। ये यस्य अपूर्वस्य अधिकारे प्रकरणे शिष्यन्ते ते तस्यैव भवेयुः, जो जिसके अपूर्व के अधिकार में यानी प्रकरण में कहे गए हैं, शिष्ट हैं, शिष्य हैं, छोड़े गए हैं वहां पर, बचे हुए गुण हैं, ते तस्यैव भवेयुः, वे धर्म उसी के ही होंगे, जो जिस प्रकरण में विहित हैं, शिष्यन्ते मतलब उपदिष्ट हैं, कहे गए हैं, वो वहीं पर ही होंगे। श्रुति प्रमाणत्वात्, हेतु यही है कि श्रुति का प्रमाण होने से, खोल रहे हैं और आगे, अयम अस्य अपूर्वस्य शेषो अयम अस्य इत्यत्र श्रुतिरेव प्रमाणम क्रमते, ये इसका शेष है, ये इसका शेष है, ये यहां पर है, ये इस अपूर्व का शेष है, ये इसका शेष है, इसमें श्रुति ही प्रमाण के रूप में समर्थ हो पाता है। न प्रत्यक्षादीनाम अन्यतमम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से और कोई प्रमाण इसमें समर्थ, प्रत्यक्षादियों में से और कोई इसमें समर्थ नहीं हो सकता है। श्रुत्या चाहिए यस्य प्रकरणे श्रूयन्ते ते तस्यैव भवितुम् अर्हति अर्हन्ति, श्रुति से जो जिसके प्रकरण में सुने गए हैं जो धर्म, वे उसी के हो सकते हैं। न च अन्यस्य उक्तो अर्थो अन्यस्य भवति, क्योंकि दूसरे का कहा हुआ अर्थ प्रयोजन या धर्म वो दूसरे के नहीं हो सकते। न ही यत् देवदत्तस्य ग्राम आच्छादानेका आच्छादानादिकम आच्छादनादिकम तद यजदत्तस्य न तद यजदत्तस्य भवति, देवदत्त का गांव, देवदत्त के कपड़े ये हैं, वो यजदत्त के नहीं हो जाते, जिसके कहे गए हैं उसी के ही होंगे। तो इसी तरह से ये धर्म जिस कर्म के कहे गए हैं, जिस अपूर्व के कहे गए हैं, उसी के माने जाएंगे, औरों में नहीं जाएंगे। तस्मात यथा प्रकरणम व्यवस्था धर्माणाम, धर्मों की व्यवस्था यथा प्रकरण होनी चाहिए, इस सिद्धांति ने अपनी बात रख दी। इसमें पूर्व पक्षी कहता है, दूसरा सूत्र है उत्पत्त्यर्था विभागाद् वा सत्वत् ऐक धर्म्यम स्यात्, उत्पत्ति अर्थ अविभागात्, उत्पत्ति के और अर्थ के अविभाग होने के कारण से, उत्पत्ति मतलब तो उत्पत्ति विधि, विधि, और अर्थ का मतलब लिया है अपूर्व, तो विधि और अपूर्व इनके अविभाग होने से, ये तो जुड़े हुए ही हैं, अलग अलग थोड़ा है, इसलिए ऐक धर्म्यम स्यात्, सबके एक ही धर्म हो जाएंगे, आप चाहे अपूर्व से जोड़ो, चाहे याग से जोड़ो, विधि से जोड़ो, वो सबके, विधि से जोड़ोगे सबके हो जाएंगे। सत्ववत, सत्व के समान, द्रव्य के समान, द्रव्य के समान का उदाहरण ये आगे देंगे भाष्य में। इसमें जो सूत्रार्थ लिखा हुआ है नीचे, उसमें दूसरी पंक्ति में संशोधन होना चाहिए, दूसरी पंक्ति में कोष्टक में है उत्पत्त्यर्था विभागात्, इसके अर्थ में लिखा उत्पत्ति बराबर यजी का अर्थ, जो का है का की जगह व कर लीजिए, उत्पत्ति बराबर यजी यजन व अर्थ, अर्थ का मतलब है अपूर्व, उसके विभाग न होने से, तो इसमें उसको तो कोष्टक में कर दीजिए यानी हटाना है, अपूर्व के अर्थ बराबर अपूर्व के बाद में लिखिए परस्पर, स्पष्टता के लिए लिख रहा हूं, के परस्पर विभाग न होने से यजन और अपूर्व इनके परस्पर विभाग न होने से, यह हेतु बनेगा उसका, यानी दोनों एक ही हैं यह कहना चाहता है, ऐक धर्म्यम स्यात्, इनके धर्म सबके एक ही हो जाएंगे।
इनके धर्म एक ही हो जाएंगे। भाष्य देखिए, अथवा नहीं तदेवम यथा प्रकरणम धर्माणाम व्यवस्था इति, जैसा प्रकरण है उसके अनुसार ही यहाँ व्यवस्था नहीं होगी, जैसा सिद्धांति का मत था। कथम तरी एक धर्म्यम स्यात्, एक धर्म्यम स्यात्, ये सूत्र का अंश है, इसी को खोल रहे हैं, समान धर्मता, समान धर्म हो जाएंगे। इसी को और स्पष्ट कर दिया, सर्वे धर्मा सर्वार्था, सभी धर्म सबके लिए हो जाएंगे, जो जैसा एक पक्ष शुरू में उठाया था। कुतः, किस कारण से, उत्पत्ति अर्थाविभागात, उत्पत्ति और अर्थ के अविभाग होने से। व्याख्या कर रहे हैं पहले उत्पत्ति की, उत्पत्ति रीति यजिम ब्रूमा, उत्पत्ति का मतलब है यजन, जैसा सूत्रार्थ में इन्होंने लिखा, उत्पत्ति रीति यजिम ब्रूमा अपूर्वस्य उत्पादनात्, याग से यजन से चूंकि अपूर्व का उत्पाद होता है इसलिए यजी को इन्होंने उत्पत्ति शब्द से कहा, इससे उत्पत्ति होती है अपूर्व की, इसलिए उत्पत्ति नाम ही दे दिया। अर्थ इति अपूर्वम ब्रूमा, और अर्थ का मतलब है अपूर्व, क्यों, यजी प्रयोजनत्वात्, यजी का प्रयोजन होने से, यजन का प्रयोजन कौन है, अपूर्व की उत्पत्ति, इसलिए इसको अर्थ कहा। अर्थ इति अपूर्वम ब्रूमा, अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है, तो यजन का प्रयोजन चूंकि अपूर्व है इसलिए अपूर्व को अर्थ शब्द से कहा गया है। तो अर्थ इति अपूर्वम ब्रूमा यजी प्रयोजनत्वात् तयो अविभागः, तो इन दोनों के बीच में अविभाग है, अलग अलग नहीं है। कैसे, सर्वाणी अपूर्वाणी यजिमंती, जितने भी अपूर्व हैं वो याग वाले हैं, एक बात। यजि संयोगे न धर्माशिष्यन्ते, और यजन के योग से, यज धातु के योग से धर्म कहे गए हैं, जितने अपूर्व हैं वो यजन से जुड़े हुए हैं, और यजन जो हैं वो उनके साथ में धर्म कहे गए हैं। यजेत इति उक्त्वा उक्ताः, यजेत यजन करे ये कह करके धर्म कहे गए हैं, उक्ताः मतलब धर्मः, यजेत इति उक्त्वा, यजेत ऐसा कह करके फिर धर्माः उक्ताः धर्म कहे गए हैं। ते यजो न संभवन्ति, तो ये जो धर्म हैं ये यजी में संभव नहीं होते हैं, कहे तो गए हैं लेकिन चूंकि ये ते यजोना संभवति यजन में संभव नहीं होते हैं, इसलिए क्यों नहीं होते, उसके लिए तुता तस्य असलत्वात्, याग के असल होने से। तत्र असंभवंतस तत्संबद्धेषु अपूर्वेषु अपूर्वेषु विज्ञायन्ते, तो वहां पर संभव न होते हुए, कहां पर, याग में, ये संभव न होते हुए, लागू न होते हुए उससे संबंध अपूर्व में समझे जाते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो ना तेज है, ये जो न संभवंती और तस्य अफलत्पात, अब ये तस्य अफलत्पात को लेकर के गए कि भाई जो याग हैं वो तो निष्फल होते हैं इसलिए याग नहीं करने चाहिए, ऐसा कोई निष्कर्ष निकाल लें, तो वैसे तो यागों के फल कहे ही गए हैं, इस फल की कामना वाला ये करे, इस फल की कामना वाला ये करे, लेकिन यहां जिस तरीके से कहा जा रहा है वो ये कि याग से साक्षात फल नहीं होता, पहले अपूर्व बनता है। आगे, सच यजि संबंध सर्वेशम अपूर्वाणाम तुल्यः, ये यजी का जो संबंध है ये सभी अपूर्वों से समान रूप से है। कौन सा संबंध, जो एक पंक्ति छोड़ के ऊपर कहा गया बीच में, सर्वाणी अपूर्वाणी यजिमंती, जो सारे अपूर्व हैं वो यज वाले यजन वाले होते हैं, ये जो संबंध है ये सब जगह है। तस्मात सर्वार्था भवंती, इसलिए जो धर्म है वो सबके लिए होते हैं। सत्व धर्मवत, सूत्र में जो सत्ववत कहा इसको इन्होंने कहा सत्व धर्मवत, सत्व के धर्म के समान, वस्तु के धर्म के समान। यथा सत्व धर्म, जैसे सत्व के धर्म होते हैं, उदाहरण के लिए एक लिया, गौर न पदा स्प्रष्टव्या इति, गाय जो है वो पैर से नहीं छुई जानी चाहिए, यानी गाय को पैर से नहीं छूना चाहिए, पैर नहीं लगाना चाहिए, अपमान की दृष्टि से होता है, जैसे बड़ों को हम पैर नहीं लगाते ऐसे गाय को पैर नहीं लगाना चाहिए। गौर न पदा स्प्रष्टव्या इति, गोत्र संबंधे ने श्रूयमाणा तत्र असंभवंत तत्संबद्धेषु पिंडेषु विज्ञायन्ते, तो ये जो गौ शब्द है, गौ से तो गोत्व का अर्थ आएगा, जाति लिया जाएगा, तो गोत्व में तो ये संबंध ही नहीं होता है, जुड़ता ही नहीं है, गोत्व के संबंध से सुने जा रहे हैं लेकिन तत्र असंभवंता, वहां संभव ही नहीं है जाति को हम पैर लगा सकें, तो ऐसे में उससे संबद्ध यानी उस जाति से संबद्ध पिंडों में समझे जाते हैं, गोपिंड में, ये गोपिंड के लिए ये नियम है। तस्य च गोत्व संबंध से अविशेषात, और चूंकि ये गोत्व का संबंध अविशेष रूप से है सभी से, इसलिए सर्व गविशु सभी गायों में, किन सब गायों में, तो उसके लिए उदाहरण दिया, शुक्ल नील कपिल कपोतिकासु भवंती,
इन सभी गायों में, सफेद गाय में, नील गाय में, नील गाय का मतलब वाली नील गाय नहीं, काली गाय, हाँ, नील शब्द जो है काले के अर्थ में, कपिल, कपिल का मतलब भूरी, थोड़ी ललाई लिए हुए जो होती है भूरी, और कपोती का सु, कपोती का मतलब हो गया धूसर वर्ण या जो कबूतर के जैसा स्लेटिया रंग जो होता है ग्रे, इसको श्वेत श्याम कह सकते हैं। सफेद और काले को मिला देते हैं, सफेद और काले को मिलाएंगे ना तो ये रंग आ जाएगा, कपोत वाला रंग आ जाएगा, थोड़ा धुएं जैसा, धुआं भी थोड़ा सफेद भी होता है, थोड़ा कालापन लिए भी होता है, बीच का होता है। तो वास्तव में सफेद और काले रंग को अगर मिला दिया जाए ना श्वेत श्याम, तो ये स्लेटिया रंग आ जाता है। इसको हल्का काला कह लो या हल्का सफेद कह लो, स्लेटी रंग। हाँ, स्लेटी में भी बहुत सारे ऊंचे नीचे भाग कर सकते हैं, लेकिन ये कपूत का मतलब कबूतर जैसा, कबूतरी रंग ऐसे कहेंगे। एवं इहापी, ऐसे ही यहां पर भी समझना चाहिए। इस पे सिद्धांत कह रहा है उच्चते विषम उपन्यास, ये तो आपने उदाहरण गलत दे दिया। यत्र गो सामान्य संबंधेन धर्मा विधीयन्ते तत्र, यहां पर तो गो सामान्य के संबंध से सारे धर्म कहे गए हैं, गो सामान्य का कथन है। गौर्ण पदा स्प्रष्टव्याय थी, यह पुनर्यजी विशेष संबंधेन धर्मा विधीयन्ते, लेकिन यहां जो धर्म कहे गए वो तो यजी विशेष से कहे गए। यदि सामान्य से धर्म कहे गए होते तब तो सब जगह लग जाते सभी यजियों में, लेकिन यहां तो विशेष यजी के साथ जुड़े हुए धर्म कहे गए हैं। अब अगर गाय में भी किसी विशेष गाय को लेकर के कथन किया जाएगा तो वो सब गायों में नहीं लगेगा, उसी विशेष में लगेगा। तो बोले यहां तो विशेष का कथन है। दर्शपूर्ण मास अभ्याम यजेत है, ज्योतिष्टो में नहीं यजेत है, तो दर्शपूर्ण मास ज्योतिष्टो आदि विशेष कथन करके यहां पर कहा गया। इति विशिष्ट यदि यदि संबंधे एवं अपूर्वे भवितुम अर्हन्ति न सर्वत्र इति, और विशेष प्रकार की यज्ञ से संबंध ही अपूर्व हो सकते हैं। अपूर्व की उत्पत्ति भी तभी होगी जब विशेष याग में, यानी क्योंकि विशेष अपूर्व है न सर्वत्र इति, सभी जितने भी यजन हैं उसमें सभी सभी में सभी प्रकार के अपूर्व हो जाएं ऐसा नहीं होगा। विशिष्ट यज्ञ संबंधे एवं अपूर्वे भवितुम अर्हन्ति न सर्वत्र इति। ये जो धर्म है, या इसको यूं कहिए विशिष्ट यजी संबंध है एवं अपूर्व, विशेष प्रकार के यजन से संबंध जो अपूर्व है उसी में ये धर्म हो सकते हैं। न सर्वत्र इति, न कि सभी अपूर्वों में, जहां जहां पर भी अपूर्व है सब जगह, यानी सभी सामान्य यजीन में। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है तत्र ब्रूमः दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत इत्यत्र न शक्यते याग विशेषे धर्मा विधातुम, बोले दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत इससे याग विशेष में ये धर्म नहीं कहे जा सकते। सिद्धांति तो कह रहा है कि याग विशेष में, बोले कि याग विशेष में नहीं कहे जा सकते। किम कारणम, यदा यजो धर्मा विधीयन्ते तदा यजिर अनुद्यते यजेत इत्थमिति, बोले यदि ये धर्म यज्ञ में किए जा रहे हैं, यानी यजेत पे जोड़े जा रहे हैं, दशपूर्ण मास विशेषित नहीं सामान्य में, यदा यजो धर्मा विधीयन्ते तदा यजिर अनुद्यते, तो वहां यजन का अनुवाद किया गया है यजेत इत्थमिति, कि ऐसे यजन करें, ऐसे यजन करें, मतलब याग का तो अनुवाद है और कुछ धर्मों की विधि की जा रही है। यदि यजिर विधीयेता न धर्म ही संबद्धेता, अगर यहां पर याग का विधान मान लेंगे आप तब तो धर्मों की विधि नहीं हो सकती, तो वो धर्मों से संबद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि याग के विधान में ही यजेता संगत हो गया, अब धर्मों को उससे के साथ में नहीं जोड़ सकते। नहीं द्वयोर विधीयमान यो परस्परेण संबंधो भवति, जो दो विधीयमान है उनका परस्पर संबंध नहीं होता है। धर्मों का भी विधान किया जा रहा है, याग का भी विधान किया जा रहा है, तब उनके संबंध का भी विधान किया जा रहा है, ये नहीं होगा। या तो संबंध का ही विधान होगा, संबंध का विधान होगा तो कुछ अनुवाद पहले से मानना पड़ेगा। नहीं द्वयोर विधीयमान यो परस्पर संबंध भवति अनुवादश्च सन अविशेषात सर्व याग अनुवाद, इसको जब याग को अनुवाद मानेंगे, ये जो अनुवाद है अनुवादश्च सन, ये शब्द यजेता अनुवाद होता हुआ अविशेषात अविशेषता के कारण से सब यागों का अनुवाद माना जाएगा, क्योंकि अनुवाद में तो विवक्षित तो होता नहीं है अर्थ, सामान्य रूप से कुछ भी अर्थ लिया जा सकता है। तस्मात सर्वधर्म सर्वार्था धर्म, इसलिए ये जो धर्म है ये सभी के लिए है, भले ही कुछ भी कथन किया गया हो उसका अनुवाद है तो सभी यागों का ग्रहण हो जाएगा। इस पर सिद्धांत कह रहा है ननु दर्शपूर्ण मास शब्दों विशेष को भविष्यति,
बोले ये जो यजेता इसका विशेषण तो विशेषक तो दर्शपूर्ण मास शब्द हो जाएगा, यहाँ पढ़ा हुआ है ही। तो पूर्व पक्षी कहता है न दर्शपूर्ण मास शब्द शक्नोति यागम विशिष्टुम, बोले दर्शपूर्ण मास शब्द तो याग को विशेषित कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? अयम ही विधिर्वा स्याद अनुवादो वा, ये जो दर्शपूर्ण मास शब्द है या तो ये विधि हो सकती है या अनुवाद हो सकता है, या तो ये विधि हो सकती है या अनुवाद हो सकता है, दो ही पक्ष बनते हैं। यदा अनुवादस तदा धर्म संबंधार्थः, अगर दर्शपूर्ण मास शब्द अनुवाद है तो वो धर्मों के साथ संबंध के लिए कहा जाएगा, न कि याग को विशेषित करने के लिए कहा जाएगा। यदा अनुवादस तदा धर्म संबंधार्थः, और अगर ये अनुवाद नहीं होता, ये विधि होती, दर्शपूर्ण मास की विधि होती तो वो धर्म से जुड़ जाता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन दर्शपूर्ण मास का अनुवाद है इसलिए वो नहीं, जब इसकी दर्शपूर्ण मास की विधि होती तो ये धर्मों से संबद्ध नहीं होता। यहां पर जो कहा ना यदा अनुवादस तदा धर्म संबंधार्थ, जब ये अनुवाद है तो धर्म से संबंध जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, यदि इसकी विधि होती तो ये धर्मों से के संबंध से नहीं जुड़ता, धर्मों से नहीं जुड़ता। सच संबंधो यागानुवादे नहीं व तयोः सिद्धः, ये जो धर्मों के साथ में संबंध है इनका, वो याग के अनुवाद से ही उन दोनों का यानी दर्शपूर्ण मास का सिद्ध है, न कि विधि रूप में। इसलिए ये जो पूर्व सिद्धांति ने कहा था ना कि ये जो दर्शपूर्ण मास शब्द है वो विशेषक हो जाएगा, कि ये जो संबंध है, ये जो चीजें हैं, फल हैं, ये दर्शपूर्ण मास वाले में ही होंगे। अगर दर्शपूर्ण मास को याग के साथ विशेषित करने के लिए वचन किया गया तो दर्शपूर्ण मास की विधि माननी पड़ेगी। दर्शपूर्ण मास याग कौन सा याग? दर्शपूर्ण मास है, तब तो इसको विधि माननी पड़ेगी। पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसको हम अनुवाद मानेंगे और तो वो धर्मों से जुड़ जाएगा। सच धर्म संबंधो यागानुवादे नहीं व तयो सिद्धः, याग का जब हम अनुवाद मानेंगे तभी ये धर्म दर्शपूर्ण मास के माने जाएंगे, नहीं तो हम नहीं माने जा सकते। ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओके।